राम राम भाई सारे भाई, आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। फिलहाल बुआनी खेड़ में हाँ भाई, और बुआनी खेड़ में ये आप देख सको हो शहीद गुलाब सिंह जो कि है भाई पार्क है, शहीद पार्क है। और शहीद मतलब फौजी थे, एक फौजी की मतलब पार्क में और फौजी का जो पुतला है भाई धराया गया है और मुर्दाबाद भी लिख रखा है। और उस पुतला का के करेंगे वो सारी बात कराएंगे, आखिर क्यों आज ये अड़े इकट्ठे हुए हैं, के कुछ बात है पूरी वो सारी करवाएंगे। भीतर आ जाओ भाई, कैमरा मैन थे कहूँगा गिल गिल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो इस पार्क के भीतर आ गए हाँ, शहीद गुलाब सिंह जो है भाई पार्क है या, और इस साइड भाई जो बुजुर्ग हैं वो बैठे हैं। सबसे पहला जो पुतला दर रखा है वो दिखाऊंगा, ये देखो भाई जो तीन बार जो है भाई विधायक रह चुके हैं राम किशन फौजी जी, और मुर्दाबाद भी लिख रखा है, स्टेचू जो है भाई लगा रखा है वो सारी बात कराएंगे। तो एक बार इस साइड आ जाओ। तो यहाँ सुखबीर हैं जो कि गांव बड़ियाड़ी से हैं भाई साहब, राम राम। राम राम भाई साहब, क्या नाम है भाई? सुखबीर दैया बड़ियाड़ी से। अच्छा, तो आज क्यों इकट्ठे हुए हों और ये पुतला क्या तदर रखे हैं भाई? यो पूर्व विधायक जो सीपीएस भी रह चुका है रामकिशन फौजी का पुतला बना है हमने, और आज पुतला दहन करके इसका हर गांव से हल्का बवानी खेड़ा के हर गांव से सामाजिक बहिष्कार करा। वो कारण ये है कि इन्होंने तिगडाने में किसानों का धरना चल रहा था, तो उस पर बाबा साहब को कहा है कि बोला मारा भाई अम्बेडकर, अच्छा इतने बड़े काम कर दिए थे, कहाँ दो चार काम तो गिना दो, तीन बार विधायक रहे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर भाई जब विधायक तीन बार रह चुके हैं तो कुछ तो खूबी होगी, मतलब इसमें एक बार बना दे दूसरी बार तो नहीं हो जाए भाई, काम को नहीं करे क्यों बनावा इसने, लेकिन तीन तीन बार रह चुके हैं। प्रधानमंत्री से बड़ा तो नहीं, प्रधानमंत्री भी आज के दिन बाबा साहब अम्बेडकर जी कह के बोल रहे हैं जी, ये कह रहा है कि मारा भाई अम्बेडकर, और बहुजन समाज को बोल रहा है कि हम हरिजन समाज, हरिजन शब्द है वो कोर्ट से प्रतिबंधित शब्द है, इस्तेमाल गलत है। और फिर पीछे भी इतने घिनौने अपराध कर रखे थे कि उन अपराधों से बचने के लिए एक महापुरुष की जयंती के दिन इन्होंने फिनाइल भी पड़ा था। अच्छा, बदनाम करता हो तो हम ऐसी एक्ट है वो तो नहीं लगेगा इन पर, इस पर लाग नहीं सकता जी, देते करा नहीं तो वो गंडा बंदर। तो ईब के करोगे मतलब फिलहाल के कुछ इसका शव यात्रा निकालेंगे भाई बाजार के बीच के, और पुतला दहन करेंगे इसका, और हर गाँव से इसका सामाजिक बहिष्कार करेंगे। और सबसे पहले आदर्श गांव बड़ियाड़ी पूर्व विधायक राम किशन फौजी का ओक्का पानी बंद करे शेड्यूल कास्ट समाज से जी। तो और भी जो हैं भाई युवा हैं बच्चे हैं वो भाई आ रहे हैं, बुजुर्ग भी आ रहे हैं, तो जो बुजुर्ग आ रहे हैं तो बात करेंगे। आ जाओ जी एक बार इस साइड आ जाओ, आ जाओ इस साइड आ जाओ भाई, इस साइड नहीं रहेगा सर। नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है? तेजराम। गांव पुर गांव से हैं, तो आज क्यों आए हो इतने सारे, मतलब के कुछ है आज भाई? ये, मतलब ये सन राम कृष्ण फौजी इसने बाबा साहब के बारे में गलत कहा, अच्छा। उसके उपलक्ष मारे तो ऐसा काम को नहीं करे। अच्छा, और बोलो जी। तो आज किस जाना है अपना, कित इसने लेके जाओगे भाई इसका? जो गांव पुर है उसमें के कुछ रहेगा किसका? 2024 में, 2024 में भाई इसकी तो वोट्स हैं कोई नहीं, कोशिश तो यही करें भाई, कटेंगे तो काटेंगे। अच्छा, आप ही तो भाई ये बात का काम नहीं करे है, काम कौन करे, काम कदे कौन करे इसने? अच्छा, जब आया कर दे जिद वादे करे थे, वादे तो करे खूब। अच्छा, एक काम भी कौन हुआ? एक कॉलेज बनवा है। वाणी खेड़ा नहीं, पूर्व में के काम करो? पूर्व में कोई काम नहीं, कोई काम कोई सारे नहीं का है। हाँ, या फिर आप अकेले हो? नम्मा एकला की, और तो पूछ लो। अच्छा, और तो पूछ लो, जिसका भी करया रिश्वत लेके करया, बदली करी तो रिश्वत लेके करी, और बताओ। अच्छा, या राजनीति तो नहीं है? राजनीति राजनीति हम देते हैं क्यों और है, ये सारे अपने आत्मा से आए हुए हैं। अच्छा, हाँ वो एक बात बुजुर्ग कहा कर दे कि घर का बेदी लंका डावे है। हाँ, वह बात हो रही है ना तो, या कोई नहीं हो रही क्या था? करेगा तो एक बात बड़ा बात को नहीं, कोई भी किसी भी जाति से लगा ली यदि गलत करेगा तो उसका विरोध तो करेंगे। तो फिर जिस तरह बैठ के बात करी कि आपने यो कर रखा है इस खातर आपने नहीं करना चाहिए, आगे माफी मांग ले, मतलब पर्सनली अलकन है, मतलब कोशिश तो करिए है,
वो तो सद्दाम हुसैन और है। अच्छा नू सोचो मेरे तो ऊपर कोई कोई। अच्छा चलो और भी आ रहे हैं भाई और बात करवा में आ जाइए साइड आ जाओ जी आप सारे आ जाओ ना एक बारी एक को बुलाने पड़ो हो आ जाओ आ जाओ। अच्छा जी आप कौन सा गांव से हो? जाटुलवारी। जाटुलवारी आप भाई? जाटुलवारी। आप? जाटुलवारी। अच्छा आप भाई? जाटुलवारी से। अच्छा जाटुलवारी से हो। अच्छा ये कहना जी इस बार कहना तो के है जैसे हमारे विधायक हैं तीन बार विधायक रहे हैं तीन बार सीपीएस रहे हैं ठीक है और हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में रहे हैं तो रिजर्वेशन से चुन के जाते हैं कम से कम इतना ध्यान तो होना चाहिए तो कहाँ से चुन के जा रहा है रिजर्वेशन से आया है और जब राजीव गांधी की सरकार थी पार्लियामेंट में भी देख पारित हुआ था कि हरिजन शब्द गैर संवैधानिक है और हरिजन कहने पर एस सी एक्ट मिल जाता है पर इतनी बड़ी पंचायत के सदस्य रहे कम से कम भाई साहब को इतना ज्ञान तो होना चाहिए कि हरिजन शब्द होता क्या है किसको कह रहा है तू और फिर जैसे उर्दूबाजी हुई थी हरियाणा में विरोध हुआ तो भाई अम्बेडकर कैसे हमने सुनता नजर आया सुना भी तो आज तक किसी ने बाबा साहब किसी ने तो हरिजन शब्द तो कहा नहीं न बाबा साहब किसी ने अम्बेडकर भाई का इंदिरा गांधी से ले लो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रहे सुनो इनका तो आप विरोध कर रहे हो लेकिन आने वाले टाइम में किसने विधायक बनाओगे आने वाले टाइम में तो इस प्रदेश में हमारे हल्का में परिवर्तन होगा परिवर्तन तीन साल ये रहे हैं दो साल अब दूसरे और विधायक है कोई नया चेहरा आएगा नया तो रह लेंगे कोई दिखा अपना मतलब भाई मैंने बता नया चेहरा होस्ट कैंडिडेट आज जो नया चेहरा है तैयार नया चेहरा तैयार है और सुनो नया चेहरा तैयार है और हमने मैंने उस पौधे को लगाया था ये पौधा लगा हुआ मेरा नया चेहरा है और आने वाले में शायद ये सभी भाग जाएंगे मैदान छोड़ के इतनी ज्यादा तादाद में हमारा जो चेहरा वो जीतेगा पूरा विश्वास पूरा विश्वास नहीं एक ही गेंद पर छक्का है अच्छा पहली गेंद पर छक्का है वाह जी वाह जरूरत नहीं है किसी को हाँ जमान सब तो जाएगी सबकी चलो भाई चेहरा नुका है आ लिया लेकिन ये आगे कौन लेंदे भाई बताओ क्या करना है उसके बारे में ये रामकृष्ण पोत जी का जो बाबा साहब को ऊपर कल टिप्पणी की गई उसका बारे में थोड़ा विरोध किया जा रहा है इसका कोई जिस तरह विरोध आप कर रहे हो मतलब के कही है इसका कुछ प्रूफ हो आप दो रहे उसने यार जन हर के बंदे बना रखे हैं हम लोग रिकॉर्डिंग है रिकॉर्डिंग है आप सुनाते हैं आपको रिकॉर्डिंग है अच्छा अच्छा बिना सबूत के कोई काम नहीं करते हम दोनों भाषाओं के हमारे पास रिकॉर्डिंग है रिकॉर्ड नहीं होती तो हम ये मुर्दा ही नहीं उठाते हैं रिकॉर्डिंग देखिए हमने वीडियो भी है पत्रकार महोदय जी अच्छा अच्छा वीडियो भी है आपने दिखा दूंगा तिकड़ाना धरना वॉकआउट भी हुआ था हालांकि कांग्रेस के नेताओं ने भी कहा था ए फौजी साहब गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो आप अच्छा तो वीडियो जो है अगर जरूरत पड़ी तो वीडियो दिखा सका हम चलो तो ये ज्यादा जरूरत पड़ेगी भाई जी फौजी का बहिष्कार करने के लिए आपका तो विधायक है काम को नहीं करया तीन बार उसने कर हमजा भी इतनी अक्ल तो होनी चाहिए बताऊं के शब्द बोल रहा है अच्छा और जिन शब्द का यूज करया उसने बहुत गलत आज ही वीडियो बना रहे हां अगर रामकिशन फौजी जी अगर अपने ते बुलाऊंगे इस बारे में कुछ कहना चाहूंगे तो उनकी बात भी आप जरूर सुनाएंगे भाई तो इस वीडियो के बारे में आपने के कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दियो राम राम सारे भाइयों ने रामकिशन भौजी अपने बयान पे माफी मांगो रामकिशन भौजी अपने बयान पे माफी मांगो अलका भवानी खेड़ा की पुकार अलका भवानी खेड़ा की पुकार
रामकिशन भौजी अपने बयान पे माफी मांगो।